गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th साइंस बायोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 5 ई1 फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। हम जनरल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो बॉडी फ्लूइड्स और उसका सर्कुलेशन, तो उसके सर्कुलेशन किस तरह से होता है, उसका मैकेनिज्म कैसे है, उसका सर्कुलेशन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम कि ह्यूमन बॉडी और सेल्स हैव टू प्रोवाइडेड और टू एंड एजेंसी यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो प्रोवाइडेड होंगे ऑटो एंड एजेंसी सब्सटेंस, क्योंकि वो अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस में एंटर होंगे और जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेस होने से हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शन के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करें। सो यहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी तो यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस से यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे बॉडी के अंदर ड्यूरिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस, यहां पे ह्यूमन बॉडी के अंदर सो इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होगा। तो इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पे सेल्स प्रोड्यूस होगा, तो उसको रिमूव करना भी जरूरी है कंटिन्यूसली। तो रिमूव कंटिन्यूस फॉर हेल्थी परफॉर्मिंग पीसीसी फॉर हेल्थी परफॉर्मिंग पीसीसी के लिए इसका कंटिन्यूअसली रिमूव होना भी जरूरी है। तो हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकंड इज ओके। तो इन दोनों कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलेंगे वेस्क्यूलर कनेक्टिव।
यहाँ पे ध्यान देना, एक एक चीज अच्छी तरह से समझना कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होगी वो टू, यहाँ पे जो टू टाइप्स की लिखी हुई है वही होगी, फर्स्ट इज थर्ड एंड सेकंड इज थर्ड। तो ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू ही यहाँ पे लिक्विड और फाइबर फॉर्म में होगी। ओके, तो ये जो होगी यहाँ पे वो होगी लिक्विड और फाइबर फ्री फॉर्म। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी टू टाइप की टिश्यूज है, मतलब ब्लड है वो किस टाइप की टिश्यूज है, तो आपको लिखना है लिक्विड टाइप, लिक्विड और फाइबर फ्री टाइप की टिश्यूज। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होगा ब्लड और ब्रेन को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये मेनी ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड रहेगा। ओके, तो मेनी ऑर्गन्स के साथ ये कनेक्टेड रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन जो होगा उसका ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होगा। सो ये ट्रांसपोर्ट करेगा वेस्ट मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स एंड CO2। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा इसके अंदर वो वेस्ट मटेरियल न्यूट्रिएंट्स CO2 और वो एंड और द सब्सटेंसेस। ओके, ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो टू सेल होगा, टू सेल्स और फ्रॉम सेल्स। ओके, ये चीज खास याद रखना कि यहाँ पे टू ट्रांसपोर्ट होगा, टू सेल्स और फ्रॉम सेल्स होगा। तो जैसे कि हमने देखा था इससे पहले के चैप्टर में, इसके अंदर ब्रीथिंग के अंदर, तो उसके अंदर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से ऑटो एंटर होता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो बॉडी के अंदर एंटर होगा तो सबसे पहले कहां पे जाएगा, माउथ से, माउथ थ्रू वो जाएगा लंग्स के अंदर। ओके, अब लंग्स के अंदर जाने के बाद वो कनेक्ट होगा ब्लड से, तो यहां पे लंग्स से वो ब्लड में हो ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस तरह से ऑटो का ट्रांसपोर्ट होगा। इसके बाद ऑटो का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, और मेटाबॉलिक प्रोसेस से CO2 एंड H2 को रिलीज होगा। इसके बाद जो सेल्स के अंदर यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुई है वो वापिस ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के अंदर, और ब्लड थ्रू वो वापिस लंग्स के अंदर जाएगा, और लंग्स थ्रू वो आउट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो टू सेल्स एंड फ्रॉम दी सेल्स। तो इसी तरह से
यहाँ पे दूसरे जो एसेंशियल एलिमेंट है या वेस्ट मटेरियल है इसका भी ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात करेंगे सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं उस एनिमल के बारे में, तो उसके एग्जांपल हैं, एग्जांपल स्पंजेस हैं, सीलेंट पेराट्स। तो इन एनिमल्स के अंदर वाटर फ्रॉम सराउंडिंग दियर सराउंडिंग दियर्स थ्रो बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट the cells for exchange the substances। तो यहाँ पे क्या होगा कि water होगा, तो water from surrounding layers through body cavities to facilitate the cells for exchange the substances। यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि इसके अंदर जो मटेरियल्स गैस फॉर एग्जांपल गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो इसकी जो बॉडी कैविटी होगी, जैसे कि हम बात करें स्पंज की, स्पंज के अंदर क्या होगा, ये सराउंडिंग वाटर है वो एंटर होगा इसकी बॉडी कैविटी के अंदर, दिस इज बॉडी कैविटी। तो उसके अंदर वाटर एंटर होने के बाद यहाँ पे वो बॉडी कैविटी से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा सेल में इस तरह से होगा। तो ये बात हुई सुपर ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, और इसको ऐसा भी हो सकते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स एनिमल के अंदर। उस एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंसेस का वो हो